आप लोग खैरियत से होंगे और हमारी वीडियोस देख रहे होंगे और उनको ट्राई भी कर रहे होंगे। आज हम आपके साथ एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। आज हम बना रहे हैं सरसों का साग। सरसों का साग बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो है, सरसों का साग है, दो गड्डियाँ हैं, दो बंच इनकी हमने डंडियाँ तोड़ के पत्ते अलग कर लिए। ये पालक है, इसका एक बंच हमने लिया है, उसके पत्ते अलग कर लिए। सोया है, इसका हम थोड़ा सा लेंगे बिल्कुल। और ये मेथी एक बंच था तो इसके हमने पत्ते अलग कर दिए। अब प्याज का पेस्ट है, तकरीबन इतनी बड़ी बड़ी दो प्याज है उनका पेस्ट है। लहसुन चॉप किया हुआ है, ये तकरीबन 6 कलियाँ हैं जिसको हमने चॉप कर लिया। इसमें लहसुन ज़रा ज़्यादा डालती हूँ मैं तो अच्छा लगता है। वो लहसुन का पेस्ट है, ये 3 टेबल स्पून है। तेल है, ये हल्दी जरूरत हम लेंगे, तकरीबन 1 कप तेल खर्च होगा। इसमें पिसा धनिया ये 1.5 चम्मच है, टेबल स्पून, 1.5 टेबल स्पून, ये 1 टी स्पून है गरम मसाला पिसा। हल्दी भी 1 टेबल स्पून है। लाल मिर्ची 1.5 टेबल स्पून है, पिसी हुई है ये लाल मिर्ची। नमक 1.5 टेबल स्पून है, फिर इसको आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मिर्चों को भी अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। कुटी मिर्च है, ये 1/2 टेबल स्पून है। ये टमाटर का पेस्ट है, तकरीबन हमने 4 इतने बड़े बड़े टमाटर लेके उनको ब्लेंड कर दिया। मक्खन है 100 ग्राम, जिसमें से हम थोड़ा अंदर डालेंगे और थोड़ा ऊपर डेकोरेशन में इस्तेमाल करेंगे। चले अब हम बनाना शुरू करते हैं। ये देखें, हमने पत्ते धो लिए हैं, अभी पानी में हम डाल रहे हैं। ये इनमें उबाल आ जाएगा, थोड़े से उबल जाएंगे तो फिर हम इसको ब्लेंड कर लेंगे। ब्लेंड करके फिर आगे बनाएंगे इसको। हम 10 मिनट के लिए उबालेंगे, बस इतनी देर में थोड़े पत्ते नरम हो जाएंगे, उसके बाद हम इसको ब्लेंड कर लेंगे। ये देखें, हमारे ये तमाम साग जो है उबल गया है, पालक, मेथी और सरसों का साग। अभी थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो हम इसको ब्लेंड कर लेंगे। ये देखिए, हमने एक बर्तन में तेल डाल दिया, उसके अंदर कुटा हुआ लहसुन जो है वो डाल देंगे। इसको हम लहसुन से भगा देंगे इसके मसाले को, ऐसे उतना पकाएंगे कि लाइट ब्राउन हो जाए। अभी देखिए लाइट ब्राउन होना शुरू हो गया है। अब इसके अंदर हम पिसा हुआ जो लहसुन अदरक का पेस्ट है वो डाल देंगे। प्याज का पेस्ट डालेंगे और इसके अंदर भी सारे मसाले, मिर्चें, हल्दी, पिसा गरम मसाला, पिसा धनिया, कुटी मिर्च और ये नमक डाल देंगे। ये टमाटर का पेस्ट भी इसमें डाल देंगे। अभी 3 देर पकाएंगे, पानी इनका खुश्क हो जाए, फिर थोड़ा भूनेंगे। थोड़ी देर ढक के रख देंगे, इतनी देर तक पकाएंगे पानी इसका खुश्क हो जाए। हो गया है, इसको हम भून लेते हैं, थोड़ी देर भूनेंगे। फिर इसके अंदर हमें जो पालक हमने ग्राइंड करके रखा है वो डाल देते। ये मसाला देखें भुन गया है, इसमें तेल भी अलग आना शुरू हो गया, खुशबू भी आ रही है अच्छी मसाला भुनने की। अब इसके अंदर जो हमने ये पेस्ट बना के रखा है, इसको हमने पीस लिया सबको, जितने भी सरसों का साग, पालक और मेथी, इसको हमने पीस लिया था। अब इसको इसके अंदर हम डाल देते हैं, इसको अच्छी तरह मिक्स करके थोड़ी देर ढक के रख देंगे, क्योंकि इसमें छींटे बहुत होती हैं। तो आप इस हिसाब से करें कि इसको भूनना है हमें, तो जब तक थोड़ा पानी होता है, ब्लेंड करते वक्त थोड़ा पानी आ जाता है इसमें, तो इसको आप भून लें अच्छी तरह, थोड़ी देर ढक के रख दें ताकि छींटे ना उड़ें। जब बिल्कुल खुश्क होने लगे तो थोड़ा भूनेंगे इसको, इसको थोड़ी देर ढक के रख देते हैं। ये देखिए, अब हमारा बिल्कुल खुश्क हो गया है और ये भुन गया है, इसका जो ऑयल है सब अलग नज़र आना शुरू हो गया। अब इसके अंदर हमें सोया काट के रखा था थोड़ा सा, वो मिलाएंगे और इसको 5 मिनट दम पे रख देंगे और फिर डिश में निकाल लेंगे। पर ये देखिए, हमारा इतनी जल्दी बन गया सरसों का साग। पहले ज़माने में लोग ये होते थे, पूरी रात पकाते थे, घोटा घाटी हो रही है और उसके बाद घंटों लगते थे, लेकिन ये हमारा 1 घंटे में तैयार हो जाएगा। तो इस तरह बनाइए, बहुत अच्छा मज़ेदार बनेगा। अब इसको हम डिश में निकाल लें। ये देखिए, हमारा तैयार हो गया है सरसों का साग। इसे हमने ऊपर मक्खन डाल दिया और ये मकई की रोटी है। अगर इसमें मक्खन रखा हुआ है, अगर आपको चाहिए तो आप इसे हम लगा के खा सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा, आसान बनने वाला, मज़ेदार है। और इसका जो हमने मसाला डाला है वो भी बिल्कुल नॉर्मल है। मिर्चियाँ और नमक का तो है कि आप लोग अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। आप लोग बनाएगा, ट्राई करिएगा, आप सबको बहुत पसंद आएगा।
ये हमारा साग भी तैयार हो गया है और ये मकई की रोटी भी हमने बना ली है। तो ये मकई की रोटी की तरकीब हम आपको इंशाल्लाह बताएंगे जल्दी। बनाइए, आप लोग खाइएगा, हम आपको पसंद आएगी हमारी चीज़ें। अगर आपको पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और हमारी चीज़ें ट्राई करें। अच्छा खाएँ, अच्छा खिलाएँ और खुश रहें।